जब भी अपनी गाड़ियों की सर्विसिंग के लिए वर्कशॉप या किसी गैराज पे जाते हैं और गाड़ी की सर्विस कराते हैं, उस टाइम में ऑयल की कंडीशन देखते हैं कि कैसा है। यदि दिखता है कि ऑयल का कंडीशन बहुत बुरा है, तो हम ये सोचते हैं कि जब ऑयल इतना ख़राब है तो इंजन कितना ख़राब होगा, इंजन के अंदर गंदगी कितनी होगी। उस चीज़ को नज़र रखते हुए बहुत सारे लोग अलग अलग उपाय करते हैं इंजन की सफाई को लेकर, इंजन के इंटरनल सफाई को लेकर। जैसे इंजन फ्लश यूज कर लेते हैं, डीजल यूज कर लेते हैं, पेट्रोल यूज कर लेते हैं, केरोसिन यूज कर लेते हैं गाड़ियों के अंदर। तो इंजन फ्लश जो यूज करते हैं वो तो समझने वाला है, वो एक पॉइंट अच्छा है, लेकिन क्या लोग बाग डीजल पेट्रोल केरोसिन डाल के जो इंजन के अंदर सफाई करते हैं, क्या वो सही है? इससे फ़ायदा है कि डीजल यूज करने से नुकसान है? इन्हीं सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्र गुंड, नोएडा भारत से। इसका इंजन किसी और रीजन से खोलने वाले हैं, इसका ऑयल कंजप्शन ज़्यादा है, तो इंजन ऑयल खोलेंगे उससे पहले हम छोटा सा रिसर्च कर लेंगे। बहुत सारा लोग इंजन के अंदर डीजल से इंजन की सफाई करता है, यानी ऑयल ड्रेन कर देता है, चैम्बर नट लगा दिया, डीजल डाल के 5-10 मिनट स्टार्ट कर देता है और वो इंजन की सफाई हो जाती है। तो हम सेम टू सेम वही करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे मैकेनिक भाई, बहुत सारे कस्टमर ये कहते हैं कि हमने तो यार डीजल से साफ कराया, डीजल डाल दिया, तुम भी डालो। तो हम उनको मना करते हैं, हम नहीं डालेंगे, लेकिन हम खुद डाल के एक बार रिसर्च करेंगे क्या ये सही है कि गलत है। तो रिसर्च के बाद ही हम किसी को बता पाएंगे कि ये सही में यूज करना चाहिए डीजल प्लस के लिए या नहीं करना चाहिए, और इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, सारी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। इंजन ऑयल, एक सेकंड होल्ड करो जरा। अच्छा, ये भी पूरा है, ठीक है, कूलेंट भी पूरा है, ऑयल भी पूरा है। चलो स्टार्ट करो जरा। साउंड को नोट करो, ऑयल को खोल दो, बंद करो इधर, बस खाली, चलो खोलो। हल्का सा, ये देखो तेल निकल गया। टाइट कर दो, नीचे से टाइट कर दिए। अब डालेंगे हम डीजल। अब फिर देखेंगे, थोड़ा पोल पूरा आना चाहिए, क्लियर आ रहा ना? तो अब डीजल डालेंगे जैसा लोग करते हैं, हमने तो कभी करा नहीं है लाइफ में, पर एक बार करके देखते हैं चलो, इससे कुछ फ़ायदा भी है या फिर खाली कहने की बात है या इससे नुकसान है, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो चूंकि इसमें 3 लीटर के करीब में ऑयल डलता है, तो 3 ही लीटर हमने डीजल मंगाया और 3 ही लीटर डीजल डालेंगे। और ये हमने 3 लीटर पूरा डीजल इंजन के अंदर करेंगे। सबसे पहले कि पाँच दस मिनट रख लेते हैं, जितना भी होगा अभी और साउंड भी देखते हैं, साउंड बदल रहा है कि नहीं। ये गाड़ी अभी ऑयल की जगह डीजल तो चल रही है, गाड़ी को इधर लगाओ जैक डाउन करके, चलो लगा 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 कि नहीं। भाई बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा, चलो लेके चलो। अरे बस कर। तो ये डीजल डालने के बाद से धुआं बढ़ गया, इतना धुआं चूंकि था नहीं, लेकिन धुआं बढ़ गया, लेके आओ गाड़ी को लगाओ। ओ तेरी यार, झाग बन गया भाई, ये डीजल का क्या दशा हुई पड़ी है, ये झाग देखते हैं यार कितना सफाई कर, काला लेकिन नहीं हो रहा है डीजल। सबसे मजे की बात देखो, ये देखो झाग बन रहा है लेकिन काला नहीं हो रहा कोई, गाड़ी के अंदर मिसिंग बढ़ गई है।
देख रहे हैं मिसफायर बढ़ गया है गाड़ी के अंदर और धुआं भी बढ़ गया। मजे की बात यह है कि डीजल का डालने से धुआं भी बढ़ गया गाड़ी का। बस बस बस, तो आप देख सकते हैं धुआं, चूंकि धुआं कम था, कम की वजह से हम इंजन खोलने वाले थे, लेकिन डीजल यूज किया है ना तो धुआं बढ़ गया है। और इंजन का साउंड नोट करना भाई, गाड़ी डीजल से चल रही है, क्या बात है। इंजन ऑयल की जगह डीजल। अब इसको बंद कर दे, बंद कर दो जरा, गाड़ी बंद करो। तसला को क्लीन कर दिए, ये देखो बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने प्रेशर से, और इसमें हम खोलने वाले हैं। और चलो, एक डीजल है ना भाई, ओ भाई मेरे, ओए होए होए, अबे यार ये तो बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ यार, बहुत कम गंदा हुआ है डीजल। अबे जैसा सोचा था यार वैसा तो हुआ ही ना यार, ये बिल्कुल प्योर दोबारा गाड़ी में डाल के चल जाएगा, प्योर निकल रहा है यार। अरे क्या बात है, निकला ज्यादा है हालांकि, तो ये चले, ये तो खैर धोने का काम आ जाएगा हम लोगों के, बेस्ट ना जाने का। आए है। वो कनस्तरी लेके आओ जरा, जिसमें हमने डीजल लेके आए थे, वो कनस्तरी डब्बा लेके आओ। वाह जी वाह, तो ये पूरा निकला है, देख सकते हैं। हाँ बाहर निकालो इसको, नट लगाओ, चलो खत्म हो गए, खेल खत्म, नट लगा दो, आराम से निकालो। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले कोई पार्टिकल्स जो ये लोहे के स्टील के हैं वो तो नहीं है। तो इसमें एक नट जो है ड्रेन नट इसी में गिर गया था, वो है ड्रेन नट, लो हटाओ। और देखें हम, अबे भाई इसमें तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, चलो कोई नहीं, इसमें डालो जरा, इसमें डालो, ये पकड़ रहे, पकड़ो, डालो इसमें, देखें कुछ भाई डीजल अभी साफ है यार, जो बात है देखो आराम से भाई आराम से, ये देखना ज्यादा कचरा मत डालना, मैं चेक करूंगा नीचे कुछ है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस इधर करो पूरा साफ, ये रखो मैच इधर ही रखो, वहां मत लेके जाओ, इधर लेके आओ भाई, ऐसा तो कुछ निकला नहीं इसके अंदर, ये जो फ्लश किया हमने, हमने तो बहुत ओरिजिनल वाला फ्लश किया है, पर ऐसा कुछ निकला नहीं इसके अंदर। अब पार्ट देखते हैं अंदर की कितनी सफाई किया है, ठीक है इसको हटाओ, तसले में तो कुछ नहीं निकला। और ये है कनस्तरी, पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया इंजन फ्लश के बाद। फ्लश कर दिया हमने डायरेक्ट डीजल से, ऑयल में नहीं मिक्स किया, खाली डीजल डाल के फ्लश कर दिया। डीजल का कलर देख सकते हैं, ये कलर निकला है पूरा फ्लश किया तो, इसके अंदर कोई नाम रत्ती भर का भी कचरा नहीं निकला है। अब पूरा इंजन खोल के अंदर देखते हैं कि सफाई क्या है और कौन कौन से पार्ट को डैमेज किया, तो उतारो भाई, शुरू हो जाओ, देखो मत। खुल गया है बाकी, और खोला जा रहा है एक एक चीज, खोल दिए हैं हमने, ठीक है। और यहाँ हेड पड़ा हुआ है भाई, लेकिन भाई देखो चमकाया बहुत जबरदस्त है भाई, क्लीनिंग तो अच्छी करी है इसने, जो बात है। अंदर से भी देखो अपने आप हुई है, ये डीजल के चलाने का नतीजा है, लेकिन इससे बैरिंग को नुकसान है ना, बात ये है, क्लीनिंग तो अच्छी हुई है। पलटना जरा इसे, मिशन निकली है, तो इससे आप इंजन का तो देख ही रहे होंगे कि इंजन कितना ऑयल उठा रहा है, क्योंकि पिस्टनों के सिलेंडरों का दशा देख लो कितना बुरा है, कोई भी सिलेंडर सही काम नहीं कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इंजन तो एक ख़त्म था, लेकिन जो लाइनें हैं वो भाई काफ़ी क्लीन किया है, जो बात है। ये देखो ऑयल की लाइन है, और जहाँ जहाँ ऑयल घूमता है उसी लाइन को क्लीन कर सकता है, तो वो लाइन बस क्लीन हुई है जहाँ जहाँ ऑयल घूमता है। बाकी अब आप देख सकते हैं सिर्फ ये वाला सिलेंडर जो है ना थोड़ा सा सही काम कर रहा, बाकी ये ख़त्म है। स्पार्क प्लग भी देख लीजिए कंडीशन, ये ख़त्म है स्पार्क प्लग की कंडीशन, ये ख़त्म है ये भी कंडीशन, और बहुत बुरा राग है सारे वालों पर, देख रहे ना कितना ज़्यादा ज़्यादा कचरा। इससे ये पता पड़ रही है कि इमिशन जो है वो सही नहीं हो रहा इस गाड़ी का। और अभी इंजन खोल के देखते हैं क्रेंकों पर क्या असर पड़ा है।
निकालो, क्या कंडीशन है चैम्बर की। आए हाय हाय हाय, अरे वाह जी वाह, क्या बात है। क्लीनिंग तो वाकई में मजा गार दिया यार। ये देखो डीजल डाला, क्या बात है यार। देखो अंदर की कंडीशन चमाचम चमाचम। चलो खोलो इसे, कोई दिक्कत नहीं। जाली का क्या हाल है, जाली में क्या आ रहा है भाई। अच्छा ये ना बोंड आ रही है, जाली भी भाई बिल्कुल चकाचक हो गई है, क्लीन। लेकिन ये प्रोसेस तो ठीक नहीं है यार, डीजल वाला बात है ना, ये तो बस अपने रिसर्च के लिए मैंने कर ली, बाकी ये प्रोसेस ठीक है नहीं। ठीक है ठीक है, चलो अब खोलो इसका क्रैंक, देखें, दिखाओ जरा इसे। आए, आए, आए। अरे वाह क्या बात है, चमक लाइने। ओए होए होए, अरे वाह, ये ऑयल की लाइने है भाई, ये ऑयल की लाइने, इधर देखो। चलो कोई बात नहीं, निकालो जरा इसे क्रैंक को, जो है अभी खोल रहे हैं इसको, ट्रे में रख के खोल रहे हैं, ठीक है। और अभी मैंने ब्लॉक खोला है, क्रैंक हटाई है, तो अंदर भी काफ़ी चकाचक है। अभी मैंने बिल्कुल धोया नहीं है इसको, ये ऑलरेडी जैसा था वैसा ही है। आप इधर सब मिट्टी देख सकते हैं, थोड़ा सा भी मैंने धोने की कोशिश नहीं किया इसे, लेकिन सफाई काफ़ी हद तक अच्छी हुई है। तो अभी हमने पूरा इंजन बखेर दिया, खोल दिया एक एक चीज़। हम इंजन पे ये जानने वाले थे कि डीजल से जो हम इंजन की इंटरनल फ्लश करते हैं तो सही है कि गलत है, तो एक एक चीज़ के बारे में देखा आपने। अब यहाँ मेन पॉइंट यहाँ आए, यहाँ देखने के बाद ही कोई भी चीज़ आप सोचना समझना करना नहीं करना, यहाँ देखने के बाद से। तो थोड़ा सा और पास में आ जाओ, एक एक चीज़ बारीकी से हम देख लेते हैं कि नुकसान क्या हुई है इससे। तो अभी आप बिगन मेन बैरिंग जो है ये देखिए, ये जो रेड पड़ा हुआ है, ये जो रेड है, क्लियर हो रहा है ना सारा, ये जो रेड है, ये रेड ऑलरेडी हुआ पड़ा है, घिसा हुआ है ऑलरेडी, पहले से हुआ है। लेकिन जो लाल के बीच में जो हल्का सा चमक रहा है, ये हल्का सा चमक रहा है, ये हल्का सा चमक रहा है, तो ये जो चमक है तीन जगह, ये डीजल से हुआ है, ये घिसा डीजल से है फ्रिक्शन की वजह से। इसको हटाओ, या ये देखो ये ठीक है, ये पहले से ही ख़राब है, ये ठीक है, लेकिन इस पर हल्का सा जो है स्क्रैचे जो आए हैं वो डीजल से आए हैं। मैं इस इंजन पे इसलिए किया ताकि हमें तो ये बैरिंग चेंज करना ही है, और यदि डीजल से ख़राब भी हो जाता तो भी चेंज करना है, क्योंकि मैं इंजन करता हूँ तो इसे चेंज करता ही करता हूँ। तो इसलिए मैंने इस पर ये डीजल डाल के रिसर्च कर लिया, क्योंकि ये नाश हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं चेंज कर लूँगा। और पास में आओ, अब बैरिंगों को, मेन के बैरिंग है, इस पे नहीं है। एक एक चीज को बारीकी से टेस्ट करेंगे भाई। ये देखो किनारी से हल्का हल्का पकड़ किया है, यानी ये डीजल से हल्का हल्का किनारी पे चमक रहा होगा, वो गड़बड़ हुआ है। ये बिल्कुल मामूली सा है, ये तो सही है इधर का, लेकिन इधर थोड़ा सा पकड़ कर लिया डीजल से, ये नुकसान है हमारे जो बैरिंग है, ये डैमेज होते हैं क्रैंक की। अब इधर दिखा दो जरा, हल्का सा स्लोली लेके आओ जरा, इधर से दिखाते हुए, ये हल्का सा जरा सा इफेक्ट किया है, ये हल्का सा इफेक्ट किया है, ये ठीक 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 है, ये पकड़ कर लिया एंड का। स्क्रैचेज दिखाओ बस, स्क्रैचेज दिखनी चाहिए पूरा क्लियर। तो ये देखो ये पकड़ कर लिया, डीजल से नुकसान है। अब आ जाओ ये दिखाओ, ये कोने पे देख सकते हैं, जो ये जो सिल्वर है ये सही है, लेकिन जो चमक रहा है ये डीजल से कटिंग हो गया, कट गया, तो इतना इस पर कटा है, पकड़ कर लिया। और ये देखो ये सही है किनारी, यानी कि हमारा बीच का जो हिस्सा है ये कट गया खाली डीजल से, और ये सही है, ये दोनों किनारी पे सही है। तो डीजल से ये नुकसान होता है,
या फिर ऑयल फ्लश बार बार हम करते हैं तो ये नुकसान होता है, बैरिंग कटती है। जैसे हर सर्विस पे फ्लश करा रहे हैं तो ये बैरिंग कटेगी, डीजल डाल रहे हैं तो ये बैरिंग कटेगी बस, और फ्लश जो है 4-5 सर्विस बाद कराना पड़ता है ताकि ये बैरिंग कटे ना, क्योंकि वो ऑयल के साथ मिक्स रहता है इसलिए कटने के चांसेज नहीं होता है। और देख लेते हैं इस पर, देखो इस पर भी थोड़ा सा है, इतना जराक सा पकड़ कर ही लिया है, क्लियर करो इस पे, हाँ मेन पॉइंट पे क्लियर करते जाने। देखो इतना सही है, ये सही है हिस्सा, ये हिस्सा सही है, बीच का हिस्सा कट गया है, ये देखो ये डीजल से कटा है, ये देखो ये सही है हिस्सा, क्लियर करते हैं, क्लिक कर दो इस पे, क्लिक करो इस पे जिस पार्ट जो पार्टिकुलर, ये देखो यहाँ क्लिक ना ना, ये देखो पार्ट पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे हाँ क्लियर होगा, ये सही है, इधर का सही है, लेकिन इतना हल्का सा ये किनारी पकड़ कर लिया है। और ये पकड़ किया तो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इस बैरिंग को रिप्लेस कर देंगे, ये देखो ये बैरिंग रिप्लेस हो जाती है, ये बैरिंग फेंक दो और ये हमारा कैप ओके है, कैप में कोई परेशानी नहीं है, कैप बाहर से धूल तो गया है, क्लीनिंग तो अच्छी हो गई है पर कैप में कोई परेशानी नहीं है। तो ये बिगन बैरिंग का काम कटना है। अब चेक कर लेते हैं हम पिस्टन को, तो चूंकि मैं ये देखो पिस्टन भी इतना एरिया तो क्लीन किया है जहाँ जहाँ डीजल चला है, क्योंकि ऑयल कंप्रेशन एरिया होता है, कंप्रेशर एरिया, तो यहाँ ऑयल चलता है और ये स्क्रैप रिंग है, ऑयल को नीचे धकेल देता ताकि कंप्रेशन चैम्बर में ना जाए। तो ये देखो ये एरिया काफ़ी क्लीन कर दिया, लेकिन यहाँ भी हल्का हल्का डीजल आने की वजह से जो लुब्रिकेट होता है वो नहीं रहा, उसकी वजह से कट गया। बाकी ऊपर की कंडीशन आप देख सकते हैं, क्लिक करते जाओ ऑब्जेक्ट पे, बहुत बढ़िया। तो ये कितना बुरा इंजन है आप यहाँ से कंडीशन देख सकते हैं, और ऐसे चारों पिस्टनों पे यहाँ की सफाई अच्छी हुई है। अच्छा इसके मेन की बात कर लेते हैं हम, ये बिगन बैरिंग की, तो बिगन बैरिंग भी कटे हैं, मैं एक खोल ही लेता हूँ जो आपको एक्यूरेट पता पड़े, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ मिस नहीं होना चाहिए, राइट टाइम तो लगेगा लेकिन काम एक्यूरेट का जवाब मिलेगा एक को। ये देखो एक किनारी सही है, एक किनारी सही है, बीच में घिस गया, देख सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते जाओ बस, ये बीच में घिस गया, ये देखो इसमें हल्का हल्का घिसा है, अभी बिल्कुल जराक जराक से हल्का हल्का, पुलिस उतरते हुए भी देख रहे होंगे ये चीज़ घिसी है। तो इस तरीके से मेरा ये देखो पिस्टन, ये भी कैसे पकड़ करना शुरू किया, इसको भी दिखाने, तो रुक जाओ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि डीजल से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं, उससे नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये देखो बैरिंग गया यहाँ से, और ये थोड़ा गया है, ज़्यादा नहीं गया, मतलब जराक जराक सा कहीं कहीं पकड़ किया, जो भी शाइनिंग आ रही है वो ख़त्म है, वो बैरिंग पकड़ कर लिया। सेम टू सेम ऐसे इसमें भी है, इसमें भी, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं डायरेक्टली ऐसे दिखा रहा हूँ, और सेम टू सेम ऐसे इसमें भी है, इसमें भी पकड़ कर लिया है। पार्ट क्लीन हुए हैं अलग मैटर करता है, लेकिन ये नालियाँ क्लीन हुई हैं अलग मैटर करता है, ये सारा ये हिस्सा सारा क्लीन हुआ है एक अलग मैटर करता है। और दूर चलो, अब पब्लिक को ये बताना ज़रूरी है कि काम करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहले डीजल से कभी भी इंजन को वॉश नहीं करना चाहिए, इंजन फ्लश कभी नहीं करना चाहिए, नुकसान हमारी ये बिगन बैरिंग नुकसान करते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। इंजन फ्लश लेंगे उस पर रिसर्च किया हुआ रहता है तो फ्लश इतना डैमेज नहीं करता है, कभी भी फ्लश इतना डैमेज नहीं करेगा। आपको इंजन फ्लश करके दिखाया भी था गाड़ी पे, दो गाड़ी पे, पेट्रोल पे भी डीजल पे भी इंजन फ्लश से किया था तो कभी डैमेज नहीं हुए, लेकिन यार डीजल से डायरेक्ट साफ किया तो डैमेज हो गए बैरिंग। कभी भी डीजल से इंजन को सफाई ना करें, कभी भी इंजन फ्लश ना करें, डीजल से नुकसान होता है आपका, इंटरनल बैरिंग ख़राब हो जाते हैं बस, और फिर आपका 30-40 हज़ार रुपये लग जाएगा बैरिंग बैरिंग में पूरा करवाने में। तो समझ सकते हैं डीजल से कतई क्लीन ना करवाएं इंजन को, कभी भी नहीं, मेरे तरफ से ये तो है हिसाब किताब मेरा है, और आपकी जो मर्जी, आपकी गाड़ी है, आप जैसे मर्जी करना चाहें। मैं कभी अब आज के वास्ते, मैं तो क्या, मैं कभी किसी गाड़ी पर करूँगा नहीं, अपने रिसर्च के लिए, अपने जानने के लिए मैंने किया, सफाई किया है इंटरनल, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये बैरिंग को नुकसान किया बहुत ज़्यादा, ये अलग मैटर है, तो मैं इसको सारे को रिजेक्ट करता हूँ। आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या आप चाहते हैं कि मैं डीजल गाड़ी पे भी डीजल फ्लश करूं? डीजल गाड़ी पे, डीजल गाड़ी के इंजनों पे डीजल फ्लश करूं क्या, जैसे इस पेट्रोल पे किया है? तो वो भी यदि जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मेरे पास बतेरे इंजन खुलते रहते हैं, मैं किसी एक इंजन पे डीजल डाल के उस पे भी देख लूँगा कि नुकसान है कि फ़ायदा है।
तो मुझे नहीं लग रहा कि फ़ायदा होगा नुकसान के सिवाय। ये बैरिंग हमारे डैमेज हो रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं इससे, हमें बढ़िया है 400-500 रुपए का ऑयल फ्लस आता है वो हम यूज करें, एक सर्विस में दो सर्विस तीन सर्विस छोड़ के चौथे में यूज कर लें ताकि हमारे इंजनों को कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक करके बता सकते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना वो आपके हाथ में है। आपका कोई भी कोई ना कोई एक लंगोटिया यार दोस्त जरूर होगा, यदि आपको अच्छा लगे तो उस भैया को भी पहुंचाइए, औरों को बताइए यदि आपको अच्छा लगे तो, यदि अच्छा नहीं लगे तो ऐसे वीडियो आते जाते रहते हैं। अच्छा लगे अपने दोस्त यार को बताइए, शेयर का बटन दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई दिल से शुक्रिया आपको।